तो सर एपीसी वन से ज्यादा कब होगा? ध्यान से देखो स्टूडेंट, एपीसी वन से ज्यादा कब होगा? एपीसी वन से ज्यादा, एपीसी इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन में इनकम। तो सर कंजम्पशन अपॉन में इनकम ये तो एक फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन वन से ज्यादा कब होगा? जब कंजम्पशन ज्यादा होगी और इनकम कम होगा। कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम, तो ये कब होगा? ये होगा सर बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। याद करो स्टूडेंट, कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ याद कर लो, यही था ना आपने कहा था, ये इनकम है ये कंजम्पशन है। तो यार ये वाला पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज्यादा है इनकम कम है, तो कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम, तो एपीसी क्या आ जाएगा? मोर देन वन। तो अगर क्वेश्चन में आ सकता है कि एपीसी मोर देन वन, आपको ऑफ कोर्स बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट आपका इनकम जो रहता है वो कम रहता है, कंजम्पशन जो रहता है वो ज्यादा रहता है, तो ऑफ कोर्स एपीसी कैन बी मोर देन वन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वही वाला ब्रेक इवन पॉइंट, के एपीसी इक्वल टू वन हो सकता है। यस सर, एट ब्रेक इवन पॉइंट हमारा एपीसी क्या हो सकता है? वन हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? एपीसी लेस देन वन। सर ये कब होगा? ये हो जाएगा आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि सर आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो इनकम ज्यादा कंजम्पशन कम क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्या चीज? आपका एपीसी लेस देन वन। ये बात तो सारी समझ में आ जाती है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, जरा उनके ऊपर गौर कर लेते हैं। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, कि भाई जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जाती है तुम्हारा एपीसी फॉल करता जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको इस बात को देना है आंसर कि भाई ठीक है गलत है। वैसे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा ही हुआ है, तो मतलब ठीक ही लिखा होगा। तो अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूं आपके लिए। एपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जो मेरा एपीसी है वो सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम के साथ कम हो जाता है, तो आंसर विल बी ट्रू। स्टूडेंट नॉट बेस्ड ऑन योर दिस मॉडल, बेस्ड ऑन दी प्रैक्टिकल थ्योरी, कि हाँ कंजम्पशन एक सर्टेन लेवल तक बढ़ती है, उसके बाद कंजम्पशन में बढ़ने का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उस सर्टेन लेवल के बाद क्या होगा? उस सर्टेन लेवल के बाद आपका जो एपीसी है वो क्या होगा? एपीसी लगातार क्या होगा? कंजम्पशन के साथ मतलब एपीसी लगातार फॉल करता जाएगा, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट तक जब लोग की इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पहुंचने के बाद वो खर्च करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास सब चीजें आ गई है, वो दे टेंड टू सेव मोर, है ना, वो ज्यादा ज्यादा सेविंग करने लग जाते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। सर एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये हमें पॉइंट दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, जस्टिफाई कर लेते हैं। एपीसी जीरो होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एपीसी है क्या? एपीसी आपके पास होता है सी बाय वाई। तो सर ये सी बाय वाई जीरो कब होगा? इनकम जीरो होगी तो ये आंसर इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको जीरो होने के लिए कंजम्पशन को जीरो होना पड़ेगा। याद करो कंजम्पशन जीरो होगी क्या इकोनॉमी के केस में? नहीं, इनकम तो इकोनॉमी के केस में कभी, सॉरी कंजम्पशन तो इकोनॉमी के केस में कभी जीरो हो ही नहीं सकती। तो जब कंजम्पशन आपकी जीरो ही नहीं होगी तो एपीसी जीरो कैसे हो सकता है? तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो। वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन जीरो एंड वन, कि एमपीसी का जो वैल्यू है वो जीरो और वन के बीच में वेरी करता है। क्या बात सही है? एमपीसी सच में जीरो और वन के बीच में वेरी करेगा। जरा ध्यान से देखें, एमपीसी है क्या? सर एमपीसी है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है। इसके जीरो होने के लिए चेंज इन कंजम्पशन को जीरो होना पड़ेगा। स्टूडेंट कंजम्पशन को नहीं, चेंज इन कंजम्पशन को जीरो होना पड़ेगा। देखते हैं, मैंने कहा मैं पहले 500 पाउंड कमा रहा था, अब मैं 520 पाउंड कमा रहा हूं। मैं पहले 500 खर्च कर रहा था खाने में, अब भी 500 खर्च कर रहा हूं। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जरूरी थोड़ी ना कि जो मेरी एडिशनल इनकम आई है 20 पाउंड की, उसे मैं क्या करूं, कंजम्पशन पे खर्च कर दूं? मैं नहीं कर रहा यार। भाई मेरे को लगा कि 500 जितनी मैं कंजम्पशन कर रहा हूं उतनी ही करता रहूंगा, आगे मैं अपनी कंजम्पशन के रेट को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं उतना ही पैसा कंजम्पशन पे लगाना चाहता हूं, क्योंकि जो इनकम बढ़ेगी मैं उसे सेव करना चाह रहा हूं। तो मतलब अगर मेरी इंक्रीमेंटल इनकम के पार्ट को मैं इंक्रीमेंटल कंजम्पशन का पार्ट ना बनने दूं तो एमपीसी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो एमपीसी कैन बी जीरो, ये जस्टिफाई हो गया। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं सर एमपीसी कैन बी वन, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब मैंने 500 से 520 पाउंड कमाना शुरू किया, मैंने अपनी कंजम्पशन भी 500 से 520 पाउंड की कर दी, तो सर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये जो एडिशनल पाउंड है भाई, जो ये एडिशनल पाउंड है आपने वो भी लगा दिया एडिशनल, मतलब जितना आपका
जितना आपका इंक्रीमेंटल 20 रुपए हुआ, मतलब 20 पाउंड हुआ, तो वो 20 रुपए आपके बाट पे हुआ, तो वही 20 रुपए आपने कंजम्पशन पे लगा दिया। तो हो सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। तो मतलब इंक्रीमेंटल इनकम का पार्ट कंजम्पशन पे और इंक्रीमेंटल इनकम का पार्ट पूरी तरह से सेव भी किया जा सकता है। तो मतलब जीरो कब आ जाएगा? जब इंक्रीमेंटल इनकम को कंजम्पशन में बिल्कुल भी यूज ना करूं। एक कब आ जाएगा? जब पूरी की पूरी इंक्रीमेंटल इनकम को इंक्रीमेंटल कंजम्पशन में कर दूं। बीच में कब रहेगा? जीरो टू वन के, अगर मान लो इंक्रीमेंटल इनकम 20 है, अब मैंने कंजम्पशन पे कितना खर्च किया? 10। कंजम्पशन पे कितना खर्च किया? 8। कंजम्पशन पे कितना खर्च किया? 15। कंजम्पशन पे कितना खर्च किया? 12। तो उस केस में आंसर क्या रहेगा? 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो मतलब पहले स्टेटमेंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एमपीसी का, कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी? स्टूडेंट्स, एमपीसी की वैल्यू वेरी करेगी 0 से 1 के बीच में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? तो इससे स्टूडेंट जो रिच होते हैं उनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ होता है। तो रिच के पास जब ऑलरेडी सब कुछ है तो वो क्या करेगा? वो अपना जो पोर्शन है, अपना जो मनी है, वो क्या करेगा? वो स्पेंड करेगा किसके ऊपर? कंजम्पशन के ऊपर, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर। जबकि पुअर है, उसके पास नहीं है, उसके पास मतलब कपड़े हो सकते हैं लेकिन बढ़िया क्वालिटी के नहीं होंगे, कंजम्पशन कर रहा है शायद उस क्वालिटी का नहीं होगा, घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, अच्छा फोन नहीं होगा, तो वो क्या करोगा? वो स्टाफ कर रहा होगा कि जैसे जैसे इनकम आएगी भाई अपने लिए छोटी छोटी करके धीरे धीरे करके चीजें जोड़ना शुरू करूंगा। तो इसलिए जो पुअर का एमपीसी होता है स्टूडेंट वो हमेशा ज्यादा रहता है और रिच का एमपीसी कम रहता है। इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है? कंजम्पशन इक्वल्स टू, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन ये दिखाना चाहती है कि बेसिकली आप अपने डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है। इससे मुझे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का आइडिया लगता है। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बिठाओ, जो कंजम्पशन है उसमें एक पार्ट तो हमेशा रहेगा, वो क्या रहेगा? वो रहेगा सर सी बार, क्योंकि ये ऑटोनोमस वाला पार्ट तो कहीं जाएगा ही नहीं। मतलब आपकी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सी बार उसे जीरो कभी होने ही नहीं देगा। आप चाहे जिस भी लेवल ऑफ इनकम पे पहुंच जाएंगे, आपका सी बार तो कुछ ना कुछ रहेगा। सोच के देख लो, जिस भी लेवल पे पहुंच जाओ भाई, इनकम तो भाई आप 1 करोड़ कमा रहे हो, ठीक है। अगर 1 करोड़ ना भी कमा रहे होते, जीरो कमा रहे होते, तब भी जो मिनिमम मानता हूं 500, मैं मान लो आज कह रहा हूं कि मैं अब महीने का एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं महीने का 5000 पाउंड कमा रहा हूं, 5000 पाउंड कमा रहा हूं मैं महीने का, तो जो है मेरी मिनिमम कंजम्पशन थी 500 पाउंड की, वो तो मेरी तब भी है, तब भी थी जब मैं 500 पाउंड कमा रहा था, अब भी है जब मैं 5000 पाउंड कमा रहा हूं। उस 5000 पाउंड में वो मिनिमम 500 पाउंड तो मेरा कंजम्पशन का जाहिर है, उसके ऊपर अब कुछ और भी जा रहा है जो कि एक्स्ट्रा पार्ट है, लेकिन वो 500 पाउंड तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो क्या था? वो जीरो इनकम पे था, मेरी इनकम कुछ भी नहीं थी, तब भी मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं 500 पाउंड खर्च कर रहा था। जब इनकम नहीं थी तब भी मैं 500 पाउंड खर्च करता था, चाहे डिस सेविंग करके करता था, लेकिन मैं खर्चता था क्योंकि जिंदा तो रहना था ना, तो वो तो खर्च कर ही रहा था। उसके बाद इनकम बढ़ती गई, मैंने अपनी कंजम्पशन 500 पाउंड के 600 700 800 करता गया, लेकिन 500 तो थी। तो मतलब कंजम्पशन में सी बार तो रहेगा ही रहेगा कि भाई इतना तो कंजम्पशन रहेगा रहेगा, प्लस इसके बाद कंजम्पशन पे मैं कितना पैसा खर्च करता हूं, सी बार के बाद मैं कंजम्पशन पे कितना पैसा खर्च करता हूं, दैट डिपेंड्स ऑन माय इनकम। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मेरी इनकम कितनी होगी, ठीक है। और इनकम का पोर्शन जो कंजम्पशन पे खर्च होता है स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं? एमपीसी। तो दैट इज बी वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? बी एमपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एमपीसी काफी सारे नामों से आता है, एक तो ये एमपीसी है ही है, ठीक है। और एमपीसी एक तरीके से क्या डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड करता है पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। आपकी इनकम का कितना पोर्शन किस पे खर्च कर दिया गया है? कंजम्पशन पे खर्च कर दिया गया है। तो ये क्या होता है? एमपीसी होता है। इसके अलावा एमपीसी और कैसे आ सकता है? आपसे बोलेंगे एडिशनल कंजम्पशन। तो भाई एडिशनल का मतलब भाई याद रखो, माइक्रो से पढ़ते आ रहे हो, जहां मार्जिनल बढ़ा वहां मतलब ही एडिशनल होता है। तो एडिशनल कंजम्पशन, तो आपका देश कंजम्पशन पे कितना खर्च कर रहा है, एडिशनल कंजम्पशन क्या है, ये सारे एमपीसी के अंदर नेम है। कोई भी देश कितना कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है ये कौन डिसाइड करता है? ये एमपीसी डिसाइड करता है, क्योंकि कितना इनकम का कितना पोर्शन खर्च होता है। तो यहाँ पे आ गई इनकम, यहाँ पे आ गया बी। जब आप स्टूडेंट थ्री सेक्टर मॉडल पढ़ोगे तो ये वाईडी हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होता है? गवर्नमेंट आती है। तो थ्री सेक्टर मॉडल में जब गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस लेगी। ये नेशनल इनकम में अच्छे से क्लियर कहता ना, गवर्नमेंट टैक्सेस लेगी तो मेरी इनकम क्या बन जाएगी? वाई डी, विच इज वाई माइनस टी, याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज सी इक्वल टू सी बार प्लस
बी वाई क्या हो गया सी को सी बार प्लस बी वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास पूरा हो गया इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अब ये कैसे काम करता है, आपके पास एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं आपको अलग अलग तरीके से, या तो सी बार, अब याद करो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था आपका सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट या कंजम्पशन कर्व मेक्स अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो ये जो सेविंग कर्व एक नेगेटिव इंटरसेप्ट दिखाता है उसका मतलब है आपको माइनस सी बार दे रखा है, अगर वो आपको माइनस सी बार दे रखा है तो आप उसे यहाँ पे सी बार में क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, क्योंकि जितना नेगेटिव का पोर्शन है उतना ही पॉजिटिव का होगा, बस नेगेटिव में अगर वो माइनस 80 है या माइनस 40 है तो पॉजिटिव में वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 40 पुट करेंगे एमपीसी, एमपीसी परसेंटेज में, हो सकता है आपसे कहेंगे कि 80% स्पेंड ऑन कंजम्पशन, 80% स्पेंड ऑन कंजम्पशन का मतलब क्या है कि आपका एमपीसी कितना है 0.8 है ना, आपसे कहेंगे कि भाई जो आपकी इकोनॉमी है उसमें 80% ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, तो भाई ऐसे लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि 80% एडिशनल इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन मतलब क्या है, तो भाई 80% एडिशनल इनकम का, ठीक है, मतलब अगर 100% इनकम चेंज हो रही है तो 100% की इनकम का चेंज का 80% तुम क्या कर रहे हो, 80% तुम कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हो। तो अगर तुम 80% कंजम्पशन पे खर्च कर रहे हो तो आपका एमपीसी कितना आ गया, प्रोपोर्शन की फॉर्म में कितना है 80%, तो एब्सोल्यूट फॉर्म में कितना होगा, दैट विल बी 0.8, राइट। सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट। तो एमपीसी क्या होता है, एमपीसी का मतलब है जो भी तुम कंजम्पशन के ऊपर अपना पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। Thank you.